होंडा की सीबी शाइन 125 125 सीसी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है इंडिया में। और हो भी क्यों ना, आपको एक बजट में कम्यूटर बाइक मिल जाती है जिसमें माइलेज मिल जाता है, सिटी राइड आप कर सकते हो, डेली पर्पस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो 2022 का एक नया अपडेटेड वर्जन होंडा ने जो है शाइन 125 का लॉन्च कर दिया है। क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या नए फीचर्स आए हैं, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह का बाइक्स रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑल, ताकि इसी तरह का बाइक्स रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, 5 नए कलर अब इस बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो स्क्रीन पे आपको कलर दिख रहा है ये सबसे डिफरेंट कलर है। क्रोम का काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, गोल्डनिश में या फिर हल्का सा येल्लोइश में नए ग्राफिक्स कंपनी ने डाले हैं। आपको जो है 3D लोगो मिल जाता है टैंक पे होंडा का। उसके अलावा 125 की बैजिंग आपको साइड पैनल पे देखने को मिल जाती है और पीछे आपको जो है शाइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी अट्रैक्टिव ग्राफिक्स और काफ़ी स्पोर्टी ग्राफिक्स अब की बार कंपनी ने डाले हैं। उसके अलावा क्रोम का वर्क काफ़ी फिनिशिंग के साथ और काफ़ी अच्छी तरह किया गया है। उसके अलावा जो एक बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। अब आपको इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा, तो जो कि आप साइड स्टैंड लगा के और बाइक स्टार्ट करके गियर डाल के चल जाते थे पहले, तो वो अब नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट गियर लगा दोगे और बाइक का साइड स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक का जो इंजन है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर्स है। बाकी इसके अलावा कोई बड़े अपडेट नहीं हुए, पावर फीचर वगैरह सब सेम है। वही 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि 10.5 पीएस की पावर जनरेट करता है और 11 NM का टॉर्क जनरेट करता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 10.5 लीटर का टैंक यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है, जिसकी 55 से 60 के बीच में माइलेज रहता है, यानी सिटी में आपको 55 के आसपास माइलेज मिल जाता है और इको मोड पर अगर आप हाईवे पर चलाते हो तो कुछ 60 से 62 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिल जाता है। टैंक की डिजाइनिंग पहले जैसी ही है। बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो इसमें जो है थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। डिजाइनिंग वही है, आपको यहाँ पे एनालॉग जो है मीटर ही देखने को मिलता है, फिर वो चाहे स्पीड हो या फ्यूल गेज हो दोनों एनालॉग में देखने को मिलते हैं। बट अब आपको यहाँ पे साइड स्टैंड का जो कट ऑफ सेंसर है उसका साइन भी आपको यहाँ पे मीटर में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फ्रंट के हेडलैम्प की, तो डीसी हेडलैम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बल्ब इंडिकेटर आपको अभी भी देखने को मिलते हैं। बाकी बात कर लेते हैं पीछे की तरफ, तो ग्रैब रेल में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ग्रैब रेल जो है पीछे की काफ़ी मजबूत है। अगर आपको चाहिए ऐसी बाइक जो आपके डेली पर्पस का काम सॉल्व कर सके तो ये एक जो है कंप्लीट पैकेज आपके लिए है। 5 गियर के साथ ये बाइक आपको जो है मिलती है, जिसमें सारे गियर अप यानी पीछे की साइड लगते हैं। पीछे की तरफ बात करें, साड़ी गार्ड वगैरह, फुटरेस्ट वगैरह आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। बाकी पीछे के सस्पेंशन वगैरह वही आपको 5-टाइम एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे टायर साइज की, तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको 18 इंच का अलॉय यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों में 100x80x18 का जो है आपको यहाँ पे टायर साइज देखने को मिलता है, यानी फ्रंट और रियर दोनों जगह आपको जो है टायर की जो है साइज सेम है। अगर आप बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और आपके पास डिस्क और ड्रम दोनों वाले वेरिएंट जो है अवेलेबल हैं। डिस्क वाला जो वेरिएंट है वो कुछ 4-5 हज़ार रुपये महंगा होगा ड्रम वाले वेरिएंट से। सिंगल सीट का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, कोई भी स्प्लिट सीट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपका पर्पज़ है एक सिटी बाइक, सिटी राइड करना और डेली कम्यूटिंग के लिए आपको बाइक चाहिए, डेली आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो वे यार 125 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट बाइक है जिसके साथ आप जा सकते हो। होंडा का ट्रस्ट और होंडा की ड्यूरेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी शोरूम का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर वगैरह अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यही था अपना वीडियो होंडा की 2022 अपडेट को लेके सीबी शाइन 125 से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इस तरह का बाइक्स रिलेटेड कंटेंट अगर आप लोग को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।